हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कभी कभार जो है वो स्लो काम करने लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है, पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आप देख सकते हैं रीस्टार्ट का ये ऑप्शन, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है कि कई बार जो है हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन का जो इंटरनेट होता है वो स्लो काम करने लग जाता है। तो आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज सबसे पहले ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिस्टम पर सिलेक्ट करना है आपको, तो सिस्टम के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन का, इसे टैप करना है। अब रीसेट ऑप्शन के इस पेज में आपको ऊपर की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है तो आपका ये पेज ओपन होगा, ठीक है। आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों की तीनों हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग होती है, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पर टैप करना है। अब जो भी आपने स्क्रीन लॉक अपने फोन पर लगा रखा है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब दोस्तों, आपका ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पर टैप करना है। तो आपका नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। तो इस तरीके से आप जो है नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन की जो स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि कई बार हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है ना सिस्टम का अपडेट आता है, लेकिन हम उसे जो है अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है, ठीक है। तो आपका मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेटेड है या नहीं है, या आप कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको मोबाइल फ़ोन का है ना सबसे पहले तो इंटरनेट चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। अब आपका सिस्टम अपडेट का पेज ओपन होगा। इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन या बटन दिखाई देता है तो आपको उसे टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है अपडेट होने लग जाएगा, और सिस्टम जो है अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी ले सकता है। तो यहां पर आपको अपडेट का प्रोसेस यहां पे पूरा कंप्लीट करना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा ना तो आपके मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है आपको ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इसे सेलेक्ट करना है। अब ये पेज आपका ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सिम वन और इस सिम टू, ठीक है। तो जिस सिम से आपकी स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है उस सिम को आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। यहाँ पर आपका ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको 2G, 3G, 4G, 5G के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन 5G का है तो आपको 5G के सामने वाले सर्कल पर टिक मार्क लगाना है। अगर आपका मोबाइल फोन 4G का है तो 4G के सामने वाले सर्कल पर टिक मार्क लगाना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के ठीक नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है तो आपका APN का पेज ओपन होगा। APN के इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है तो आपका एक छोटा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे आपको टैप करना है। तो आपका नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। APN सेटिंग को आप रीसेट कर देंगे ना तो आपकी स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर आपको आखिरी प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। दोस्तों, अगर आपको जरूरत लगे तभी आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो रीसेट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे टैप करना है तो आपका ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा। इरेज ऑल डेटा पे आप टैप करेंगे ना तो आपका मोबाइल फोन का जो मोबाइल फोन जो है ये रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ना रीसेट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करने से पहले ना आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है, जैसे फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट, जो भी कुछ है आपके फोन में डेटा, वो पहले तो आपको अपने दूसरे मोबाइल फोन में
ट्रांसफर कर लेना है, नहीं तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा जिससे आप बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करने से पहले ना आपको एक और काम करना है कि आपकी फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है ताकि आप जो है उसे बाद में लॉग इन कर सकें, क्योंकि आपका गूगल अकाउंट भी लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों आपको ये इन दो बातों का ध्यान रखना है, और ये जो आपको मैंने जितने भी प्रोसेस आपको बताए हैं इन सभी प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।